हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी होली। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, होली का ये सुबह का समय है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो जो मैंने आपको बताया था कि आगे के जो जाली का कर्टन है वो नहीं टंग पाया है, मिस्त्री नहीं आए थे, तो हमने दूसरा, मतलब हस्बैंड दूसरा मिस्त्री लेके आए थे, तो वही वो टांग रहे थे। तो ये काम होने के बाद से फिर मैं किचन में गई, बाकी जितने भी आइटम मुझे बनाने थे मैंने उसकी तैयारी की, फिर बनाई। और गेस्ट भी, मतलब 11 बजे से गेस्ट आना शुरू हो गए थे। जैसे आस पड़ोस के लोग होते हैं जो इनके हस्बैंड के दोस्त थे, हमारे यहाँ सुबह में जेंट्स आते हैं और शाम को हम लेडीज़ लोग एक दूसरे के घर पर जाते हैं अबीर, मतलब लगाने। सुबह में तो रंग की होली होती है पर शाम को अबीर होली होती है, तो हम लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हैप्पी होली। आप सभी को लिव लाइफ विद पुनीता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। होली खूब इंजॉय करिएगा, पर कलर से नहीं, अबीर से। और मैं भी कलर नहीं मंगाई थी, सिर्फ अबीर मंगाई हूँ। तो अभी मैं सब कुछ बना ली हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाई हूँ, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से कोई रेसिपी आज मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। बस मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम होली जो है इंजॉय करते हैं। तो मैंने आज बनाया है छोला, और चिकन भी बनाया है, क्योंकि आधे लोग चिकन खाएंगे, आधे लोग छोला खाएंगे। और राइस सादा है, दोस्ती रोटी है, और ज़्यादा कुछ नहीं मैंने बनाया है। अब बस वही नाश्ते में टिकिया वगैरह, आलू चप, यही सब बनाया है कि जैसे जो जेंट्स लोग आएंगे। और चिप्स, पापड़, गुजिया, नमकीन, वो सब तो वीडियो आपको शेयर कर ही दिया है, पर आज की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। पिछले साल भी मैं नहीं कर पाई थी और इस साल भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो अभी क्या कहते हैं कि तो इस वजह से मैं, मतलब, कोई भी रेसिपी नहीं डाल पाती हूँ। और अभी थोड़ा सा ही होली खेलूँगी, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, तो बस हल्का सा, मतलब। और सुबह से गाना जो है वो बज रहा है मेरे घर में, डीजे बजा हुआ है, बाहर गेस्ट लोग आ रहे हैं, वो लोग नाश्ता वगैरह, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया और बाकी जो नाश्ता हो गया, मिलने आ रहे हैं। फिर शाम को हम लेडीज़ लोग का बारी आता है। तो चलिए, आगे वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है होली के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। तो जब जेंट्स लोग हस्बैंड के साथ बाहर चले गए, मतलब जो हमारे यहाँ मैदान है वहाँ पे डीजे लगता है, तो वहाँ पे जेंट्स लोग चले जाते हैं, फिर हम हाउसवाइफ जो होते हैं वो, मतलब, सारा अपना जो खाना वगैरह होता है सब बनाने के बाद, फिर 12:30 बजे से हम निकलते हैं एक दूसरे के घर होली खेलने के लिए। पर इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छा हुआ कि कोई रंग से नहीं खेला, सब लोग अबीर से ही खेल रहे थे, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, हमने होली खेल ली है और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और मेरा फेस देखिए कैसा दिख रहा है अभी को, मैं देख रही हूँ कि देखिए पूरा कलर कलर हो गया है, और पूरा घर भी देखिए डर्टी हो गया है, पूरा घर गंदा हो गया है। अच्छा भी अभी चल रहा है नहाने, मतलब नहाने के बाद से पूरे घर की क्लीनिंग करनी है, झाड़ू पोछा फिर से मुझे करना है। अच्छा भी को देखिए, और रुपेश को तो आप देखेंगे तो पहचान ही नहीं पाएंगे, पूरा ढड्डू हो गया है, पूरा शर्ट वर्ट हुआ, मतलब उसका फट गया है, सब लोगों ने फाड़ दिया है। तो आपने कैसे इंजॉय किया मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ ठीक है, जाओ नहा लो। तो अभी चलते हैं नहाने के बाद, मिलते हैं आप लोग से। और बाद में नंद लोग भी आ गई थी, वो लोग होली इंजॉय की, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। छवि देखिए कैसे सोई है, छवि छवि ये देखो। और बच्चे बहुत ज्यादा थक गए हैं, यहाँ पे देखिए रुपेश कैसे सोया, देखिए रुपेश देखिए कैसे सोया है सब। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो सोचा था कि रिव्यू वीडियो बनाऊंगी सारे, मतलब जितना भी मैंने शॉपिंग किया था, बट नहीं बना पाई, बिल्कुल मौका नहीं मिला मुझे। होली की तैयारी करने में मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि, मतलब, मैं रिव्यू वीडियो बना पाऊँ। तो आप देख लीजिए, मैं प्लेट बनाई नहीं हूँ, बस ये देखिए इस तरह साड़ी ली है, बट इतना, मतलब, सॉफ्ट ये कपड़ा है ना कि इतने अच्छे से देखिए प्लेट बन जा रहा है, ये देखिए, और बहुत प्यारा लग रहा है। और जितना भी शॉपिंग मैंने किया है वो लोकल मार्केट से किया है, ऑनलाइन कुछ भी नहीं मंगाया है। तो बच्चे अभी सोए हैं, तो चलिए अभी छोड़ते हैं, बच्चों को सोने देते हैं, और अभी चलती हूँ, थोड़ा चिप्स और पापड़ मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि सुबह मैं, मतलब, बनाई थी, फ्राई कर ली थी, बट सब लोग आ रहे थे तो सारा चिप्स पापड़ जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अभी थोड़ा सा और मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो लेडीज़ लोग हैं ना, ये किसी का फ़ोन आ गया, इग्नोर कर दें,
तो मतलब लेडीज़ लोग अभी शाम को आएंगी अबीर लगाने के लिए, तो मैं अभी चलती हूँ किचन में और पापड़ चिप्स जो है वो छान लूँगी। तो चलिए चलते हैं किचन में पापड़ चिप्स छानने के लिए। और पूरी साड़ी मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसका। बॉर्डर बहुत प्यारा, आप देख लीजिए बॉर्डर बहुत खूबसूरत है। और साड़ी है ना वो मतलब पिंक कलर की है, बट इसमें मुझे लग रहा है कि कलर कुछ दूसरा दिखा रहा है। हाँ, लाइट पिंक है। तो चलिए भी किचन में चलते हैं, पहले फ्राई कर लेते हैं चिप्स, फिर उसके बाद से। तो जब छवि वीडियो देखी तो बोल रही थी कि मम्मी आपने मेरा ड्रेस तो दिखाया ही नहीं। तो फ्रेंड्स मैं पिक लगा दूंगी छवि की ड्रेस का, आप उसे देख के मुझे बताइएगा कि ड्रेस उसकी कैसी लगी। और अभी देखिए मैं चिप्स छान लेती हूँ। और हम हाउसवाइफ का क्या है, कितना मेकअप कर लो कितना सज संवर लो, लेकिन लास्ट में हमें किचन में ही आना होता है। और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जैसे लग रहा था कि मई जून का महीना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी से मैं गैस का काम ख़त्म कर लूँ। और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि टिक्की, मतलब फर्स्ट टाइम टिक्की मैं बनाई हूँ, तो इसका टेस्ट कैसा लगेगा। तो इसलिए मैं एक प्लेट में लगा के हस्बैंड को टेस्ट कराना चाह रही थी कि इसका टेस्ट कैसा है, अच्छा होगा तो सर्व करूँगी, नहीं अच्छा होगा तो नहीं करूँगी। पर हस्बैंड खा के बोल रहे थे बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और फिर मैंने भी चखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम बनाई थी उस हिसाब से तो बहुत ही टेस्टी था। तो आप लोग भी खाइए और मुझे बताइएगा कि कैसा है। फिर शाम हो गया था, टेबल लग गया था बाहर गेस्ट के लिए। और अभी मैं ये जो होली पे बाउल आता है ना, इसके अंदर कई खाने होते हैं, तो कई सारे कितने सारे आइटम इसमें मतलब हम लोग रख सकते हैं। तो वही टेबल में बाहर लगा दे रही थी क्योंकि बाहर था, तो जो कवर वाला डब्बा था तो वो रखना ज़्यादा अच्छा था, ओपन कुछ भी मैं रख नहीं सकती थी क्योंकि गर्दा धूल सब आ रहा था। और अभी देखिए बच्चे भी बारी बारी आके सबको टीका लगा गए। और 6:30 बजे तक मतलब महिलाएं भी आना शुरू हो गई थी, हाउसवाइफ जितनी भी थी वो सब एक दूसरे घर आना जाना शुरू हो गया था। फिर हमारे घर ढेर सारे गेस्ट आए थे, फिर उनको मैंने अटेंड किया। फिर बारी बारी हम सबके घर पे जाते हैं। ये होली का ही एक दिन होता है कि हम लोग बहुत अच्छे से सज संवर के फिर एक दूसरे के घर जाते हैं। फिर साल भर बाद ही ये दिन आता है। क्षमा भी आई थी मुझसे मिलने होली पे, कि मतलब अबीर लगाने आई थी मुझे, और छवि भी खूब इंजॉय कर रही थी। रुपेश और छवि का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये कहाँ है, बिना खाए पिए सुबह से इंजॉय कर रहे थे, तो वो लोग शाम को थक गए थे बहुत ज़्यादा इसलिए सो गए थे। अभी देखिए मैं अपने सामने वाली पड़ोसन के घर पे आई हूँ, उनके घर पे हम लोग मतलब नाश्ता कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीज़ खा के हम लोग का पेट एकदम फुल हो गया है। फिर अगले साल देखिए होली पे कैसी तैयारी होती है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग एक दूसरे से मतलब मिल लिए हैं, और मैं भी सबके घर से हो आई हूँ और सब लोग मेरे घर भी आए थे। और आप मेरा चेहरा देख सकते हो, ये देखिए पूरा टीका पूरा ये सब जो है पूरा रंग जो है फैल गया है। और मैंने अभी अपना ड्रेस भी चेंज कर दिया है। आज मुझे लग रहा है डेली की अपेक्षा ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए जैसे ही मतलब सब लोग चले गए तो तुरंत मैं मतलब अपना ड्रेस चेंज कर दी हूँ, क्योंकि नई साड़ी थी तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और चूड़ी भी देखिए हाफ निकाल लिया है, और हाफ मैं आज कुछ भी नहीं दिखा पाई आप लोग को अच्छे से कि मतलब मैं किस तरह से तैयार हुई थी, क्योंकि जैसे ही मैं तैयार होकर खाली हुई वैसे ही सब गेस्ट आना शुरू हो गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी उन्हें मतलब अटेंड करने में लग गई। तो ये देखिए मैंने ये चूड़ी ली थी मैं लोकल मार्केट से ली थी, और ऑनलाइन कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है इस बार। तो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाफ मैंने निकाल दिया, कंगन के इधर वाला निकाल दिया है, ब्लू और पिंक आधा निकाल दिया है, और आधा आधा मतलब दोनों हाथों में चूड़ी पहनी है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ, एंड नहीं की हूँ। और अभी बाहर वाले रूम में बैठी हूँ, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, अंदर वाले रूम में तो काफ़ी गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं देख रही हूँ कि 8 महीने में ही जो लोग मतलब 8 महीने 9 महीने में ही सब लोग ग्रो कर जाते हैं, मुझे 1 साल से ऊपर हो रहा है पर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और उनके चैनल पे जाके मैं देखती हूँ कि सेम मेरे जैसा ही मतलब वो लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं, जैसा मैं दिखाती हूँ डेली रूटीन अपनी दिनचर्या दिखाती हूँ उस तरह से वो लोग भी दिखाते हैं, फिर भी मेरा जो वीडियो है वो पता नहीं क्यों नहीं वायरल हो रहा है, ना ही आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यूट्यूब में कोई कमी कर रहा है कि क्या कमी है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मेरे वीडियो को फुल वॉच किया करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जो भी वीडियो अपलोड करूँगी मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अभी मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अभी सोऊंगी। और काजल देखिए पूरा मतलब मैंने मतलब आईलाइनर लगाई थी ना, तो पूरा काजल जो है वो फैल गया है,
तो बस अब मैं सोऊंगी। हस्बैंड गए हैं सास के घर पे, वहाँ से आएंगे, बच्चे भी वहीं चले गए हैं, तो उन्हें मैं डिनर करा दूंगी, पर मैं अब कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा पेट जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब फुल हो गया है। ऐसा नहीं है कि दिन भर मैं कुछ खाई ही थी, थोड़ा थोड़ा ही सबके घर से खाते ना मतलब पेट एकदम फुल हो गया है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।